देखिए रतुड़ा गांव के बुरे हाल हैं, पूरा गांव खाली हो गया है। या भाई, पहले यहाँ पे जो है बहुत रौनक रहती थी इस खेतों में, इन खेतों में जो हरियाली रहती थी है, अनाज जो है बहुत ज्यादा होता था। आज पलायन की दंश झेल रहा है हमारा ग्राम रतुड़ा है। अधिकतर लोग जा चुके हैं, 10-15 ज्यादा 20 परिवार यहाँ पे रहते होंगे। अब बाकी ऐसे सब दिल्ली देहरादून है। इस पलायन ने जो है यहाँ ये बंजर भूमि से लग रहा होगा आपको, ये गांव कैसा दंश झेल रहा है। आज यहाँ पे जो है ये रास्ते देखो, जब बंजर पड़े हुए हैं रास्तों में भी जो है कांटे हैं, चलने की मुश्किल है, विकास अवरुद्ध है। इस विकास के लिए एक बार पलायन को रुकना होगा, लोगों को वापस घर आना होगा, तभी ये गांव जो है कुछ फिर अपनी पुरानी यादों को संजो के रखेगा, नहीं तो यादें भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब ये जो आज ये देवी देवता में लोग हम लोग आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इस चीज से भी अनभिज्ञ हो जाएगी कि नैनी भी कोई चीज है। उनको बताने के लिए, समझाने के लिए भी गांव में रहना बहुत जरूरी है, ताकि देवी देवता है उनके बारे में उनको बताएं कि भाई हमारे यहाँ 9 देवी हैं, उनकी एक बहन यहाँ भी रहती है, ये उनकी बहन उनसे मिलने यहाँ आई है, उनको बताओ इस देवी को देवरा कहते हैं। नए बच्चे इसको जानते ही नहीं है, कहाँ पे पर्व लगता है, उनको पर्व का ही मतलब नहीं है। तो इसको समझाने के लिए बुजुर्ग लोगों का, जवान जो पुराने लोग हैं उनका गांव में रहना बहुत अति आवश्यक है, तभी इस गांव का विकास होगा, हर गांव का विकास तभी हो सकता है। तो ये पलायन से रुकना होगा हमको। धन्यवाद। हाँ, यहाँ की जो नैनी है 52 साल बाद 2011 में बाहर आई थी, और उस समय यहाँ पे बहुत मेला लगा था, बहुत लोग आए थे, और उस समय लग रहा था, उस समय इतना पलायन भी नहीं था, तो गाँव में जो है रौनक थी और अच्छा लग रहा था कि हाँ गांव का विकास हो रहा है, चहल पहल है। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में अब तो देवी को रिसीव करने वाले लोग भी कम रह गए हैं, है? जो उनकी जो है पूजा कर सके, उनकी अवधारणा, उनकी धारणा, उनके पूजा पाठ में शामिल हो सके। इसलिए जो है हम लोगों से यही विनती करते हैं कि पलायन को रोकें और गांव की ओर फिर लौटें, ताकि हम इस नैनी देवी का फिर से जो है यहाँ के ज्योरा भी उसको फिर से चलाएं। ज्यादा वैसे 12 साल में इसको बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो है जैसे बहुत सालों बाद 52 साल में बाहर आई थी। अब देखते हैं अब कब बाहर आती है। आप सब लोगों को भगवान शक्ति दे, माँ नैनी देवी से प्रार्थना है कि सबको जो है सद्बुद्धि दे कि एक बार जो है फिर हम उस यात्रा को शुरू कर सके। आज 38 साल बाद नैनी देवी भटियाणा अपनी बहन से मिलने रतुड़ा पहुंची हुई है। बहुत ही भावुक पल है और अद्भुत पल है। 38 साल बाद माँ नैनी देवी अपने बहन से मिलना है, बहुत ही लोगों में जोश है, उत्साह है। जय माँ नैनी देवी।